एक महीने से ज्यादा हो गया यहाँ पर, इसी तरीके से लोग बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ से लोग आना जाना उनका हो रहा है। फुगा जो है जाने वाले हमको बड़े कैसा बढ़ रही बोलते हैं, क्योंकि सिटी का डेवलपमेंट करना है तो कॉर्पोरेशन कमिश्नर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऑफिस में एसी रूम में बैठने से सिटी का काम डेवलपमेंट नहीं होता। सिटी में मेन सिटी में सुपर मार्केट है और सुपर मार्केट में एसपी कमिश्नर डीसी वाटर सप्लाई का ऑफिसर ड्रेनेज का ऑफिसर पूरे लोग फिटते मालूम नहीं है, दिखता नहीं, देखे बगैर काम नहीं कर सकते क्या ये लोग। This video presented by Al Sharae PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road. Al Sharae PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony. Al Sharae BSc Degree College for Girls, Yadula Colony. And Al Sharae Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open, contact for details. Gandegi, Gulbarga ke city mein, main city mein supermarket hai. Aur supermarket mein SP, Commissioner, DC, Water Supply ka Officer, ड्रेनेज का ऑफिसर पूरे लोग फिरते हैं, मालूम नहीं है कि हम एहतजाज करना, दिखता नहीं, देखे बगैर काम नहीं कर सकते क्या ये लोग। अरे बैठ के एसी पे बैठ के फिरना, कमीशन लेना मालूम है काम आया तो, अब वो काम करने वालों को किसी कॉन्ट्रेक्टर को देना हो, अब कॉन्ट्रेक्टर को कमीशन नहीं देते, उन्होंने कॉन्ट्रेक्टर काम भी नहीं देते ये लोग, जो सिर्फ कमीशन दलाली खाने के लिए होना, इनको दलाल होना इनको। ये 8 दिन से महीना हो गया मार्केट में, सुपर मार्केट में ड्रेनेज का पानी जाते हुए, ये सब जाके क्या पब्लिकेशन देना है इनको। आपका हर आदमी अपनी जिम्मेदारी से काम कर लेना पूरा, ताकि पब्लिक ना हेले, क्या बोलते वो हीड़े बोलते ना, वो वैसे हालत ऑफिसर उतना ही होना है। आपका नाम? अब्दुल मन्नान। रोड साफ पानी जा रहा है, गंदा पानी पूरा, एक महीने तो बैठ रहा है, मास्क लगा ले, क्या कर रहे कुछ भी नहीं कर रहे, कॉर्पोरेशन वालों को बोले कुछ भी नहीं हो रहा, खाली आ रहे नानी, एक महीने से चल रहा है, एक महीने से फुगा जो है जाने वाले हमको बोले कैसा बढ़ रहे जी बोल के, पब्लिक जो आ रही है कैसा बढ़ रहे बोल के बोल रही है हमारे को, पूरा एक महीना बैठे हुए रोज दो जाने बोले हमारे कैसा बढ़ रहे बोले। आपका नाम? इजाज अहमद। गुलबर्गे का मेन सुपर मार्केट एरिया है, ये सुपर मार्केट एरिया में जो है ना ये पूरा गंदगी का जो ना पूरा पानी है, अब वक्त बहुत तकलीफ हो रही है, चलने फिरने के लिए बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत हो रही है, वही पानी में से जा रहे आ रहे हैं, मास्क लगा के फिर रहे हैं, अगर इनको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कौन जिम्मेदार। हमारे अशरफ भाई आज जो आवाज़ उठाए बिल्कुल गुड और सही उठाए, ये लोगों को उनको कहीं को नहीं दिख रहा है, जो अशरफ भाई को जो दिख चुकी है ये चीज़, आवाम को बहुत तकलीफ हो रही है, इसके ऊपर ज़रा कार्रवाई करें तो बहुत अच्छा रहता। और आपसे नहीं है, एक महीने से जो ना ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, दुकान वाले देख सकते हैं आप, दुकान पूरे बंद है आज, क्यों ये लोग बैठ कर कैसा बैठेंगे, ये लोग खुद परेशान। इसमें मेरे दोस्त की भी दुकान है इसके अंदर, वो खुद भी परेशान है, बोल रहा है कि वसीम भाई अगर मैं बीमार होगा तो मेरे बीवी बच्चों को कौन देखना, वही ऐसा प्रॉब्लम रहने से जो ना एक महीना होगा हमारे रोज जो ना दुकान ही नहीं खोले, रोजी रोटी कैसे चलना, किराए का रेंट पे दुकान है, रेंट कैसा देंगे उन लोग, और उनका घर भी रेंट का है, प्रॉब्लम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो ना आवाम को बहुत तकलीफ हो रही है आने जाने। कलबुर्गी नगर ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರ್ತಾವು ಈ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ದುರ್ವಾಸನೆ ಗಬ್ಬು ನಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಜನರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತರಕಾರಿ ಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆಗಾರರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಇಲ್ಲಿಂದೇ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಲ ಆಯುಕ್ತರು ಕಮಿಷನರ್ ಎಲ್ಲ, ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಇದರ ಮೂಲಕ ಈ ನಮ್ಮ ಅಶರಫ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದರ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಪರವಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಮಾಗನ ಪಾಲಿಕೆ ಎದುರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಜನ ಲೋಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ವಯಸ್ಕರ್ತರು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವು ರೋಗ ಇವು ರೋಗ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗ ಹರಡುವ ಸಂಭವ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಸುರೇಶ್ ಅನ್ಗುಡಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್, ಜೈ ಭೀಮ್ ಜೈ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ಯೇ ಜೊ ಆಪ್ ಲೋಗ್ ದೇಖ್ ರಹೆ ಹೈನ್ ಯಹಾನ್ ಪರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಟಿ ಮೈಬಸ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಯೇ ಜೊ ಡ್ರೇನೇಜ್ ಕಾ ಪಾನಿ ಕಮ್ ಸೆ ಕಮ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಕೆ ಜ್ಯಾದಾ ಹೋ ಗಯಾ ಯಹಾನ್ ಪರ್ ಪಾನಿ ಬಹ ರಹಾ ಹೈ ಔರ್ ಹಜಾರೋ ಕಿ ತೇದಾದ್ ಮೇ ಯಹಾನ್ ಪರ್ ಲೋಗ್ ಆತೆ ಜಾತೆ ರಹೆತೆ ಹೈ. मैं सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर और डीसी डेवलपमेंट आरपी यादव और यहाँ के जितने भी सुपरवाइजर्स और सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को क्या ये नज़र नहीं आ रहा है
एक महीने से ज्यादा हो गया यहाँ पर इसी तरीके से लोग बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ से लोग आना जाना उनका हो रहा है। इतनी गंदगी हार्ट ऑफ द सिटी में है तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। यहाँ के लोग क्या टैक्स पे नहीं करते? जो डेवलपमेंट के लिए आप लोग फंड लाते हैं वो कहाँ पर खर्च हो रहा है? और ये जो सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब है, इनको मालूम होना चाहिए जब भी पब्लिक यहाँ से जाती है इस इशू के बारे में बात करने के लिए, तब वो ऑफिस में नहीं मिल रहे। यहाँ के लोगों का कहना है, यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि जब भी हम जाते हैं कमिश्नर साहब या तो बेंगलुरु में है या तो मीटिंग में बिजी है। तो आप ऐसी कैसी मीटिंग ले रहे हैं कमिश्नर साहब? और ऐसा कितने बार बेंगलुरु जा रहे हैं तो यहाँ का डेवलपमेंट के बारे में आप काम नहीं कर सकते। मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर श्री प्रियंक खड़गे जी से अपील करता हूँ, यहाँ के जो कमिश्नर है टोटली वेटलेस है, उनको कुछ काम ही नहीं है यहाँ पर करने के लिए। इनको यहाँ से रिलीव करना है, रिलीव कर दूसरे जो काम करने वाले कमिश्नर है उनको लेकर आइए, क्योंकि सिटी का डेवलपमेंट करना है तो कॉरपोरेशन कमिश्नर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऑफिस में एसी रूम में बैठने से सिटी का काम डेवलपमेंट नहीं होता। जब आप ग्राउंड पर आएंगे, ग्राउंड का वर्क देखेंगे, काम कर सकते आप। सिर्फ ऑफिस में बैठकर मैं कंसल्ट ऑफिसर को बोला हूँ, मैं इसको बोला हूँ, मैं उसको बोला हूँ, उससे काम नहीं चलता, सिटी का डेवलपमेंट नहीं चलता। कमिश्नर का काम है रोड पर आकर जो इशू है उसको सॉल्व करना। आप देखिए यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं, ज़ईफ लोग जा रहे हैं, उनको चलने को प्रॉब्लम है, गंदगी बह रही है। यहाँ से एक महीना हुआ, आप लोगों को कॉरपोरेशन के ऑफिसर पर शर्म आना चाहिए। आप लोग क्या कर रहे हैं ऑफिस में? आप अपनी जगह पे एसी में बैठे हैं, यहाँ की पब्लिक को जो प्रॉब्लम हो रही है उसको कौन फेस करना? आप लोगों का काम है, आप लोग ग्राउंड पे उतर कर अगर वन वीक के अंदर ये काम और वाटर का काम जो गंदा पानी आ रहा है अगर नहीं होगा तो L&T को और सिटी कॉरपोरेशन को दोनों को ताला लगाएंगे हम दोनों को। और ये जो हम कर रहे हैं ये हमारे यहाँ की आवाम का प्रॉब्लम हो रहा है उसको इशू को उठा रहे हैं हम। हमारे राज्य अध्यक्ष श्री हनुमंती जी हरसंगी सर और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मंजुनाथ भंडारी सर के गाइडलाइंस पर हम ये इशू को बात कर रहे हैं। अगर 7 डेज के अंदर ये काम नहीं होगा तो दलित सेना संगठन बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेगी और सिटी कॉरपोरेशन को और L&T को ताला लगाएगी। L&T का टोटली फेलियर है और सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर का टोटली फेलियर है जो इसके ऊपर काम ये लोग फेल हो गए हैं। L&T तो टोटली डम्मी हो गया है। वाटर बोर्ड का इशू है उसको भी सॉल्व करने में नाकाम रहा है और ये ड्रेनेज का इशू है उसको भी सॉल्व करने में नाकाम रहा है। तो ये जो L&T है इसका टेंडर कैंसिल कर जो अच्छा काम करने वाली कंपनी है उसको लेकर आकर काम देना। L&T इतने बार भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सक रही तो फिर L&T को क्यों दिया आप टेंडर? कैंसिल करो टेंडर। ये जो सिटी का टैक्स पेयर का जो पैसा आ रहा है आप लोग वेस्ट डाल रहे हैं। अभी यहाँ पर ग्रीन था स्टील का, वो तोड़ दिए। वो बनाने के लिए जितना पैसा खर्चा आया था तोड़ने के लिए उतना ही आ रहा है, फिर बाद में बनाने के लिए आएगा। तो आप लोग जब डेवलपमेंट के लिए बात करेंगे तो फंड नहीं है बोल रहे हैं। जितना हजारों करोड़ रुपये फंड आ रहा है सिटी के लिए, ये हमारे MLAs मिलकर जो मेहनत कर फंड ला रहे हैं, सिटी कॉरपोरेशन को यूटिलाइज करने नहीं आ रहा। रेवेन्यू कितना आ रहा है मालूम है आप लोगों को? सिटी का हर लोग ट्रेड लाइसेंस से रेवेन्यू आ रहा है, घर के टैक्स से रेवेन्यू आ रहा है। तो आप लोग जो ये रेवेन्यू ले रहे हैं पब्लिक को सहूलत देने का काम करना छोड़कर उनको तकलीफ दे रहे हैं। मैं फिर एक बार श्री प्रियंक खड़गे जी से अपील कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर जी से अपील कर रहा हूँ, यहाँ के ऑफिसर जो नाकाम ऑफिसर है उनको यहाँ से रिलीव कर दो, रिलीव करो। सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर टोटली होपलेस है, उनको कुछ भी काम नहीं आता, सिर्फ ऑफिस में बैठकर। मैं कंसल ऑफिसर को बोल रहा हूँ बोल रहे, इसीलिए मेरी फिर एक बार अपील है अगर 7 डेज में काम नहीं होगा तो हम सिटी कॉरपोरेशन को और L&T को ताला लगाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ, दलित सेना डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट। This video presented by Al Sharae PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharae PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharae BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharae Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open. Contact for details.